अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हाफिज़ तलहा अनवर और आप देख रहे हैं पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स का यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आज मैं आपको लेके आया हूँ प्रीसेंट 8 के अंदर, जहाँ पर 250 स्क्वायर यार्ड यानी कि 272 स्क्वायर यार्ड के बैंगलोज हैं, प्लॉट्स हैं। इनके ऊपर प्राइवेट कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा हुई है। प्रीसेंट 8 और प्रीसेंट 6 काफ़ी आबादी वाला एरिया हो गया। अच्छा, यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन जो हैं वो हमारे पास सेल पे हैं। मेरी बैक साइड पे आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है एक खूबसूरत एलिवेशन के साथ 272 स्क्वायर यार्ड, 272 गज़ का ये घर जो कि 5 कमरों पर मुश्तमिल है और ये अवेलेबल फॉर सेल भी है। आज इसका मैं आपको अंदर से हाउस टूर दूंगा। 5 कमरों पर मुश्तमिल ये खूबसूरत घर, मेरे साथ आए। सबसे पहले शुरू करते हैं इसके गेट से। ये आप देखें, इसका गेट है, बाहर भी आप गाड़ी अपनी जो है वो पार्क कर सकते हैं और एक छोटा सा जो है वो लॉन जो कि घर के बाहर आपको दिया गया और उसके बाद हम इसके डोर से एंटर होते हैं। तो यहाँ पर आपको कारपोस्ट का एरिया मिलता है, काफ़ी अच्छी स्पेस है और इस तरफ भी कुछ स्पेस जो है वो खाली रखी गई है, खाली छोड़ी गई है। अच्छा, इसकी जो बैक वॉल है जो कि बहरिया के बायलॉज के मुताबिक आपको छोड़नी होती है, यहाँ पर आपको सर्वेंट के लिए एंट्री मिल जाती है किचन पे, और बैक साइड पे जो है वो आपको इसका जो है वो वॉशिंग एरिया मिल जाता है और यहाँ से जो है वो डोर छोड़ा गया है बाहर से। अच्छा, अभी मैं आपको लेके चलता हूँ इसके अंदर। ये इसका जी मेन डोर है, वुडन बहुत अच्छी यूज़ की गई है लकड़ी। मेन डोर से एंटर होते ही हमारी जो राइट साइड है यहाँ पर आ जाता है आपका लाउंज, यहाँ पर ड्राइंग आप कह सकते हैं, यहाँ पर ड्राइंग आ सकती है आप, यहाँ पर जो है वो सोफ़ा सेट करके और सामने आपको जो है वो विंडो दी गई है। अच्छा, ये वेस्ट ओपन मिला है, अगर मैं विंडो ओपन करूँगा तो यहाँ पर जो है वो हवा इतनी तेज़ जो है वो आएगी। अच्छा, इसके साथ ये जो जगह आप देख रहे हैं, अच्छा इसमें डोर भी दिया गया है ड्राइंग का, ये जो जगह आप देख रहे हैं ये आप पार्टीशन भी कर सकते हैं और यहाँ पर कोई कर्टन वगैरह भी लगा सकते हैं। इससे आगे चलते हैं तो ये डाइनिंग का एरिया आ जाता है, बिल्कुल लिमिटेड सा है, इसको आप डाइनिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद आगे आके ये आपका आ गया टीवी लाउंज, ये मीडिया वॉल है। यहाँ पर आप थीम देखें कि नीचे टाइल दिखाएं, ये काफ़ी बड़ी टाइल है और अच्छी टाइल, मजबूत टाइल जो है वो यहाँ पर यूज़ की गई है और यहाँ पर आपको लाइट क्रीम कलर जो है वो मिल रहा है जो उस पर पेंट हुआ हुआ है, और साथ ही ये मीडिया वॉल आप देखें बड़ी खूबसूरत डिज़ाइन की गई है। अच्छा, एक चीज़ मिस कर गया, यहाँ पर पाउडर रूम है, ये जो है वो साथ ही स्टेयर्स ऊपर जा रही हैं। आप किचन की तरफ आते हैं, ये आपको खूबसूरत सा जो है वो किचन नज़र आ रहा है, यहाँ पर स्टोव जो है वो इंस्टॉल है, जो चिमनी है वो लगी हुई है और वार्डरोब यहाँ पर आपको मिलेंगी। ये आप देखें, यहाँ पर आपको वार्डरोब जो है वो किचन के लिए अच्छी मिलेगी। नीचे भी इसी तरह सेम आपको वार्डरोब मिलेगी और यहाँ पर जो है वो सिंक है और ये आपका डोर है जो कि सर्वेंट क्वार्टर की तरफ से जो डोर आ रहा है, ये डर्टी किचन भी आप इसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अभी हम चलते हैं इसके नीचे वाले ग्राउंड फ्लोर के ऊपर, दो बेडरूम है। सबसे पहले हम मास्टर बेड की तरफ चलते हैं। तो ये इसकी एंट्री है, काफ़ी खुला बेड है, काफ़ी खुले ये जो है वो स्पेस है यहाँ पर, और यहाँ पर देखें ये आपको यहाँ पर भी एक विंडो मिल रही है और वार्डरोब जो है वंस अगेन कमरे के अंदर काफ़ी खुली अलमारी आपको मिल रही है ऊपर भी इसी तरह, और इसका वॉशरूम जो है वो बड़ा खूबसूरत जो है वो टाइलिंग भी आप देख ले, वुडन जो है वो कलर की टाइल है और सिंक इस तरह। अच्छा, इसके बाद आपको मैं इसके नीचे वाले सेकंड बेडरूम का विज़िट करवाता हूँ। ये इसका सेकंड बेडरूम है नीचे वाले फ्लोर का, तो इसकी भी स्पेस काफ़ी अच्छी है, यहाँ पर अभी आपको जो है वो ये विंडो मिल रही है, काफ़ी जो है वो बड़ी विंडो है, सेम इसमें भी वार्डरोब है, अलमारी है और वॉशरूम जो है वो आपका यहाँ पर बिल्कुल जो है वो एक अच्छी स्पेस है वॉशरूम की, और ये आपका जो है वो
हो गया ग्राउंड फ्लोर। और अभी आपको मैं लेके चलता हूँ फर्स्ट फ्लोर की जानिब, तो आए मेरे साथ। ये इसके फर्स्ट फ्लोर की तरफ जो है वो सीढ़ियों की तरफ जाता हुआ, इन्होंने यहाँ पर डोर लगा दी है, हम आपको लेके चलते हैं ऊपर। देखिए ये बाहर से भी रास्ता है फर्स्ट फ्लोर की तरफ, आपके मेन डोर से जो है वो यहाँ पर डोर क्लोज है, आप बाहर से भी पोर्शन जो है वो डिवाइड कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हम ऊपर जा रहे हैं। ब्लैक टाइल है और साथ ग्रीन कलर जो है वो बड़ा एक अच्छा सा थीम बना हुआ है। ये देखें, ये स्पेस बड़ी खूबसूरत, यहाँ पर आप पौधे लगा सकते हैं। और ये भी स्पेस है, यहाँ पर एंटर होते ही आपको जो ये विंडो मिल रही है, इस विंडो से आपको सामने का व्यू मिल रहा है और टेरेस का व्यू मिल रहा है। वंस अगेन फिर से डोर है ऊपर, और ये आपका आ गया टेरेस। यहाँ पर हम बाद में चलते हैं, सबसे पहले हम ऊपर वाले रूम की तरफ चलते हैं। ये ऊपर वाला एंटर होते ही सामने पहला रूम है जो कि आपको एक अच्छी स्पेस के ऊपर मिल रहा है। सेम यहाँ पर भी विंडो है, और ये सेटअप देखें, यहाँ पर वॉर्ड्रॉप जो है वो काफी सारी है, काफी खुली स्पेस है इसमें। अलमारी की एक पोर्शन अलग कर दिया, छोटा सा सेगमेंट अलग कर दिया। इसी तरह वॉशरूम, इसका भी काफी अच्छी जो है वो सैनिटरी यूज की गई है, काफी अच्छा टाइल मटेरियल यूज किया गया है। और अभी आपको मैं लेके चलता हूँ इसके टीवी लाउंज की तरफ। फर्स्ट फ्लोर का ये टीवी लाउंज है, ये जो है वो इसका टीवी लाउंज है। और ये आपको मिल रही है यहाँ पर दो विंडोज जो कि आपको यहाँ पर वॉलेंटियर, हम इसको लफ्ज़ यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे आपको ओपन स्पेस भी मिल रही है। अच्छा, इसका जो किचन है फर्स्ट फ्लोर का, ये इसका किचन है फर्स्ट फ्लोर का, सेम जो है वो नीचे वाला ही डिज़ाइन है, लेकिन ये आपको यहाँ पर भी वार्डरोब इंस्टॉल्ड जो है वो स्टॉप मिल रहा है सेम। और यहाँ पर भी आपको एक विंडो मिल रही है, सिंक है, और किचन की स्पेस भी अच्छी है फर्स्ट फ्लोर पे। अच्छा, अभी जो है आपको मैं ऊपर का जो मास्टर बेडरूम है उसका विजिट करवाता हूँ। आ जाए, ये इसका मास्टर बेडरूम है, अच्छी स्पेस है, सेम वही ऊपर वाला जो जो हमने ग्राउंड फ्लोर पे देखा है। इसी तरह वार्डरोब है, वॉशरूम है, वॉशरूम काफ़ी जो है वो स्पेशियस है, खुला है। और सेम यहाँ पर भी आपको ऊपर जो फर्स्ट फ्लोर है इसका जो तीसरा बेडरूम है उसकी तरफ चलते हैं। सेम यहाँ पर भी आपको विंडो नज़र आ रही है जो कि काफ़ी खुली विंडो है, और अच्छा साइज है बेड का, बेडरूम का। आपको अटैच वॉशरूम मिल रहा है और काफ़ी खुली स्पेस है वॉशरूम की। सिंक और जो है वो आपका यहाँ पर वॉशिंग एरिया आ गया। और ये ऊपर वाले जो है वो तीन बेडरूम आपको मैंने विजिट करवाए हैं। अच्छा, ये जो है वो आपने देखा है विला कितना खूबसूरत बना हुआ है, और ये हमारे पास जो है वो फॉर सेल है। टेरेस की जो है वो रहेगी थी, तो ये इसका टेरेस का एरिया है। यहाँ पर आपको जैसे कि मैंने मेंशन किया है कि ये वेस्ट ओपन विला है, और आपको जो है वो ये वाली हवा, ताज़ा हवा आती रहेगी। इसी तरह इसकी जो सराउंडिंग है वो बड़ी खूबसूरत है, आप ग्रैंड मॉस, पिसेंटेन ए, 11A के विलास, वेरी हाइट्स, वॉकिंग डिस्टेंस पर यहाँ पर आपको हर चीज़ जो है वो मिल रही है। मज़ीद इसकी डिटेल्स और विज़िट के लिए नीचे स्क्रीन पर हमारा नंबर्स मौजूद है, आप उन पर एनी टाइम रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।